हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखें, एज आई सेड टू यू कि हम जो है वो एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हैं सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हमने कर ली हैं। तो आज जो हम करेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो है वो हम देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन के बाद देखेंगे हम इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम पूरी सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और जो इसके अलावा हम गलतियां जो होती हैं ग्रामर में वो किस तरह होती हैं, या कैसे यूज़ होता है वर्ड्स का या प्रीपोजिशंस का, तो वो भी हम सीखेंगे। तो देखें, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन जो है ये इस इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंटेंस। ठीक है, ये जो है क्या करता है, नाउन, प्रोनाउन या आपका जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, कनेक्ट करता है। सिंपल डेफिनेशन में कहूँ तो इस तरह होता है। देखिए, यूज टू यूज कनेक्ट द डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउन्स एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंस। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है आपके पास सेंटेंस में, तो उसको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। सिंपल इज दैट, प्रीपोजिशन को यही हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अच्छा, या और कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, नाउन्स के बीच में, ठीक है, या बिटवीन वर्ड्स के बीच में। कोई वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं सेंटेंस में, उनके बीच में आपको क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ही फाउंड द बुक ऑन द टेबल। अगर ये जो ऑन है ये यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगर यह ऑन अगर हम हटा दें, ही फाउंड द बुक द टेबल, मतलब कि देखिए सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। मतलब कि ये क्या किया इसने, ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है नाउन को आपस में। देखिए, ये दोनों नाउन है आपस में, नाउन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहा है ये प्रीपोजिशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, और सेंस बना रहा है पूरे सेंटेंस के अंदर। देखिए, हर हाउस वॉज बिसाइड अ स्टीप हिल। अब देखिए, बिसाइड को अगर हमें हटा दूं यहाँ पर, हर हाउस वॉज अ स्टीप हिल। देखें, मतलब कि एक नॉनसेंस सेंटेंस बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए, ये देखें प्रीपोजिशन जो है पूरे सेंटेंस को क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है, और क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट वर्ड्स को। ठीक है, तो इस तरह प्रीपोजिशन जो है वो यूज होता है हमारे सेंटेंसेस में। ठीक है, अब इसकी टाइप्स कुछ आती है, वो टाइप्स हम दे लेते हैं। एक होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि सिंगल वर्ड्स जो होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल, जैसे कि ऑन, एट, अबाउट, विद, आफ्टर, फॉर, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, ही फाउंड द बुक ऑन द टेबल। ये ऑन क्या हो गया आपके पास, प्रीपोजिशन हो गया, सिंपल प्रीपोजिशन। इन द बेडरूम, इन क्या हो गया आपके पास, सिंपल प्रीपोजिशन हो गया। ये बकाया मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं सिंपल प्रीपोजिशन के, फॉर, बाय, एट, ऑन, ऑफ, ऑफ टू, बिलो, अबव, अंडर, इन, ये और सिंपल प्रीपोजिशन हो गए। अच्छा, ये था सिंपल प्रीपोजिशन। अब देखते हैं दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, टू वर्ड्स जिसमें कनेक्टेड हो, एक से ज्यादा कनेक्टेड हो, टू वर्ड्स कनेक्टेड हो, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। हम बोलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फला, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, अकॉर्डिंग टू जो है FTI, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, मतलब कि अकॉर्डिंग टू इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू माई हाउस, ड्यू टू, तो दिस काइंड ऑफ प्रीपोजिशन कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो टू वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, मजीद एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अच्छा, ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर, तो ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, और दिस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। इन बिटवीन, ऑन बिहाफ, अहेड ऑफ, रिकॉर्डलेस, इन स्पाइट ऑफ, ये आपके पास क्या हो गए, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब आते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें मोर देन टू वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, फ्रेज ऑफ प्रीपोजिशन का एक मेन क्राइटेरिया होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, वो होता है द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होगा पहले, फिर मॉडिफायर होगा, ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट साथ होगा। जब भी ऑब्जेक्ट साथ हो, समझ जाए कि ये क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। किस तरह, देखें, एट होम, तो होम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और एट क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। इस तरीके से इन टाइम, तो इन आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टाइम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो तो उसे हम कहेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, एट हाई स्पीड, देखिए स्पीड क्या है आपके पास,
ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, हाई क्या हो गया आपके पास मॉडिफायर हो गया, एट क्या है आपके पास प्रीपोजिशन हो गया, बाय ऑल मीन्स फॉर ए चेंज इन अकॉर्डेंस विद, तो इस तरह ही होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। अच्छा ये टाइप्स हमने पढ़ी, जनरल टाइप्स, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज फ्रेज प्रीपोजिशन। अब पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन एज पर देयर यूज, यूज के हिसाब से क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, ठीक है। देखें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब दोज प्रीपोजिशंस यूज्ड टू डिनोट द प्लेस इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। सिमिलरली अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द टाइम, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट आ जाए, कोई भी मूवमेंट बताए लाइक अप डाउन मूव टूवर्ड्स अक्रॉस, तो मूवमेंट अगर शो करे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। लेट्स सी, देखें ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, यहाँ पर सेंटेंस मैंने एक बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल आपके लिए, ये बना लेते हैं, लुक एट माय होम या दिस इज माय होम या आई मेट माय होम, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट अली इज एट होम, अली इज एट होम, तो एट क्या हो गया आपके पास, ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, बता रहा है लोकेशन बता रहा है इस तरीके से। तो देखिए लोकेशंस ऑलमोस्ट तीन बताते हैं, तीन प्रीपोजिशंस होते हैं एट ऑन और इन। देखें ये इन तीनों का यूज़ बहुत ही जो है होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कहाँ यूज़ करें, एट कहाँ ऑन करें कहाँ इन करें। मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगा स्पेशली इसका डिटेल यूज़, में अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए एट जो होता है पर्टिकुलर प्लेस के यूज़ होता है, कि पर्टिकुलर कह सकते हैं पिन पोजिशन या पिन लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ऑन इससे बड़ी लोकेशन के लिए होता है, और इन जो है वो इससे भी बड़ी लोकेशन के लिए। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, देखें ये आपका एक घर है, तो ये जो घर के लिए इस्तेमाल होगा वो एट हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका स्ट्रीट, पास में क्या है एक रोड जा रहा है आपके पास। तो अगर देखें ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, कह सकते हैं ये आपका क्या है ऑटोबान रोड है, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल ये ऑटोबान रोड है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रोड जा रहा है, और ये पूरा जो शहर है फॉर एग्जाम्पल इसे हम कह देते हैं कि ये पूरा जो शहर है वो क्या है आपका फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद है। तो इफ यू आर सपोज टू आस्क के वेयर इज अली, अली इज एट होम, ठीक है। अब पूछा जाए वेयर इज अलीज होम, तो अली अली का घर क्या, अली का घर कहाँ पर है, तो अलीज होम इज ऑन द ऑटोबान रोड, ठीक है, तो ऑन हो गया रोड के इस्तेमाल से, अगर रोड या स्ट्रीट का बताया जाए तो ऑन यूज होता है। किस शहर में है ये, तो अली जो है इज इन हैदराबाद, तो इन होगा शहर के साथ मतलब कोई बड़ी कोई लोकेशन उसके साथ, और उससे स्मॉलर लोकेशन के लिए ऑन और पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ऑन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह इनका यूज़ होता है, लेकिन अगली मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको डिटेल इसका बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो आपको प्लेस का बताते हैं, लोकेशंस का बताते हैं, ठीक है। अब दूसरे होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब होता है सिर्फ आपको वो प्रीपोजिशन जो आपको टाइम का बताएं, ठीक है। सिमिलरली इसमें तीनों का यूज़ हो रहा है, एट इन ऑन, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ। एट होता है फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर आपके पास टाइम हो, 10:30 10:20 फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टाइम हो आपके पास, एएम पीएम में पर्टिकुलर टाइम हो तो एट यूज़ होगा। इन जो है वो आपके लिए फॉर एग्जांपल मंथ हो या फिर आपके पास ईयर हो तब वो यूज़ होगा इन, और ऑन जो है वो कब यूज़ होगा जब आपके पास डेज गिविन हो, फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे ऑन ट्यूजडे, इस तरीके से ये ऑन यूज होता है। तो दीज प्रीपोजिशंस यूज टू डिनोट द टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम बोलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ यूज किए हुए हैं, 8:10:30 8 o'clock 8 bed फॉर एग्जाम्पल, देखें 8 bed टाइम, तो ये होंगे आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब आता है लास्ट प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, तो सिंपल देखें दोज प्रीपोजिशंस व्हिच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मूवमेंट आर कॉल्ड द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। जिस तरह देखें ओवर अलोंग इन ऑन, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, इस तरह जो मूवमेंट बताएं कैसी मूवमेंट है, अलोंग वाली मूवमेंट है क्रॉस वाली है, तो मतलब कि ये इस टाइप के प्रीपोजिशंस को हम क्या बोलेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट बोलेंगे। देखें आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, यहाँ पर टू आपका क्या हो गया मूवमेंट बता रहा है किस तरफ जा रहा है, ठीक है, डॉक्टर के पास जा रहा है। कैन यू डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिसर, टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो ये हो गया टू आपके पास क्या हो गया
आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट हो गया। ही वॉज वॉकिंग मेनसिंगली टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स क्या हो गया आपके पास प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, तो थ्रू आपके पास क्या हो गया, आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हो गया। ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस क्या हो गया आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अक्रॉस है या थ्रू है, किस तरह यूज होता है, पर्टिकुलर जो है किस सेंस में कहाँ यूज होगा, इन टू कहाँ यूज होगा, ऑन टू कहाँ यूज होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। और जो है एट, ऑन और इन वाला यूज पढ़ेंगे, प्लेस के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टेक केयर।